आज हम लोग जा रहे हैं सी व्यू और मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कराची का फेमस मॉल डॉलमेन मॉल जो कि क्लिफ्टन में है। और यहाँ बहुत रश भी होता है और ये कराची का बहुत फेमस मॉल है। तो चलें आगे चलते हैं। और अभी आ गए हैं हम लोग सी व्यू और सी व्यू आए और भुट्टा ना खाएं तो आपका ट्रिप अधूरा रहता है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी पहले भुट्टा लेने के लिए, क्योंकि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ चढ़ के बैठे हैं ऊपर। और हवा इस वक्त इतनी ज़बरदस्त चल रही है, मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है। और यहाँ ईशा जो है वो मुझे भुट्टे उठा उठा के दिखा रही है कि भाई ये देख लें, ये वाला ले लें, ये ले लें। तो बस तो आप लोग बताइएगा कि आप में से किस किस को भुट्टा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और सी व्यू जाके भुट्टा ना खाऊँ तो मज़ा नहीं आता। तो आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते मुझे ज़रूर शेयर करके बताइएगा अपने कॉमेंट्स में। और बस यहाँ भुट्टा ले रही हूँ मैं और मोहम्मद जो है वो पीछे बैठा हुआ है मेरे, क्योंकि मोहम्मद से तो मेरा हर वक्त सुबह शाम झगड़ा होता ही रहता है, रूटीन है हमारा, ये ना आदत हो चुकी है। तो खैर जी अब स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों के स्कूल से पहले ये लास्ट वीकेंड है, तो इस वीकेंड पे हमने सोचा कि चलें कुछ आउटिंग करते हैं, बाहर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। हम लोग आए हुए हैं सी व्यू और सब पे जो है हवा इतनी तेज चल रही है कि बाल बाल सब कुछ उड़ रहा है, दुपट्टे उड़ रहे हैं और पीछे आवाज आ रही है आपको, ये मुख्तलिफ चीज़ें बेचने वाले जो है वो गुजर रहे हैं। और यहाँ भी मैंने खाया है भुट्टा, मैं सोच रही थी भुट्टे की आपको दिखाऊंगी लेकिन बस मैंने उसको बनते हुए दिखाया था, खाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कैमरा भी साथ मैनेज करना, दुपट्टा प्लस बाल। तो बस तो चलें अभी चलते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं यहाँ पे और आगे क्या करेंगे आपको अपने साथ साथ रखूँगी मैं। और भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े के ब्लॉग्स को इन्जॉय कर सकें। और प्लीज़ आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं मेरी वीडियोज़ को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। और मैं आज बहुत बहुत सालों के बाद आई हूँ सी व्यू और आई थिंक मैं खाते एक डेढ़ साल या दो साल, मुझे याद भी नहीं अब कि मैं लास्ट कब आई थी। तो बस चलें अभी इंजॉय करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर।
मैंने भी आज लाइफ में पहली दफ़ा ही सांप का तमाशा देखा है और बड़ा डिफरेंट लगा और अच्छा भी लगा और डर भी लगा उसे देख के। तो बस अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ खूबसूरत सा मंज़र जो कि सनसेट का है और बीच इतना अच्छा लग रहा था इसको देख के, इतना रिफ़्रेश फील कर रहे थे हम लोग और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करा। बस हम लोग पानी की तरफ नहीं गए क्योंकि आजकल हाई टाइड्स हैं, मॉनसून का सीज़न है, तो इसमें मैं नहीं जाती और अम्मी भी मुझे मना कर रही थी कि बिल्कुल पानी में कोई नहीं जाएगा, यहीं से बैठ के देखो। तो बस हमने यहाँ भुट्टा खाया, सांप का तमाशा देखा और बस बातें बातें करी और कुछ पिक्चर्स ली और आपके लिए बनाया एक व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और बस भाई आज की हमारी आउटिंग यहीं तक की थी शाम शाम की और बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो यहाँ मुझे रास्ते में पड़ा जम्बो जब, मैंने कहा यहाँ भी आना ज़रूरी है किसी दिन, तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। टिल देन अल्लाह हाफिज़।